चेपॉक के मैदान को यूं ही चेन्नई का गढ़ नहीं कहा जाता है। हैदराबाद की टीम आस लेकर आई थी कि मेहमान नवाजी करेगी और मेहमान नवाजी की है सीएसके ने, जिस तरह से मात दी है, एक डोमिनेटिंग अंदाज में चेन्नई सुपर किंग्स ने हराया है सनराइजर्स हैदराबाद को। महेंद्र सिंह धोनी ने पैट कमिंस से पिछली बार की हार का बदला भी लिया, उनके घर पर वो जीते थे, इतना कन्विंसिंग जीत नहीं थी, लेकिन इस घर पर 78 रनों से हैदराबाद के इतिहास की सबसे बड़ी हार थमाई है चेन्नई सुपर किंग्स ने। इस मैच में बहुत सारे टॉप के मोमेंट्स थे, वो सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले आज एक बार फिर टॉस हार गए ऋतुराज गायकवाड़, सिर्फ इस सीजन में एक टॉस उन्होंने जीता है। तो पैट कमिंस ने कहा कि हम गेंदबाजी करेंगे, ड्यू आएगी उसका हम फायदा उठाएंगे। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ शतक से 2 रन चूके, 98 रन बनाए और आखिरकार डैरिल मिचेल के बल्ले से अर्धशतक आया और कुछ रन आया और कॉन्फिडेंस भी आया। उन्होंने अर्धशतक जड़ा, शिवम दुबे के 39 रन, 4 छक्के, इलेक्ट्रिक ईवी स्ट्राइकर ऑफ द मैच भी उन्हें मिला है। ऋतुराज गायकवाड़ को मैन ऑफ द मैच दिया गया है और जिसके बाद बन गया बोर्ड पे 212 रन। थाला भी क्रीज पर आए, पहली बॉल पर चौका लगाया। पहले बैटिंग करते हुए सीएसके ने पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। अब जिम्मेदारी थी गेंदबाजों की, तो गेंदबाजों ने भी डिसअपॉइंट नहीं किया। आज फील्डिंग भी उच्च स्तर की रही, सीएसके की टीम एक प्लान बनाकर आई थी, उसके तहत वो लोग स्टिक रहे। गेंदबाजी के डिपार्टमेंट में तुषार देशपांडे ने पहले ओवर में ही विकेट निकाला, अपने पहले ओवर में, मैच के दूसरे ओवर में। उसके बाद उन्होंने 3 विकेट पावर प्ले में ही गिरा दिए। उसके बाद जडेजा ने नीतीश रेड्डी को आउट कर दिया, उसके बाद पथिराना ने मार्करम को बोल्ड मार दिया। शार्दुल ठाकुर ने अच्छी गेंदबाजी की, जडेजा ने अच्छी गेंदबाजी की, मुस्तफिजुर रहमान को अंतिम में 2 विकेट मिले, पथिराना को 2 विकेट मिले, 4 विकेट मिले तुषार देशपांडे को, और एक कन्विंसिंग जीत जो है वो सीएसके अपने घर पर रख चुकी है। अंक तालिका में 3रे नंबर पर आ चुके हैं और एक बड़ी छलांग है इस मैच में मैन ऑफ द मैच ऋतुराज गायकवाड़ को मिला है। ऑरेंज कैप की लिस्ट में गायकवाड़ अब दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। उम्मीद है कि सीएसके इस बार प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करेगी। आप बताइए कि असल में हैदराबाद की टीम मैच कहां आ रही है, हमें कमेंट करके। तब तक के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।